बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अजमेर में एससी एसटी आरक्षण मंच ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। 6 दिसंबर को भारत के पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि यानी महानिर्वाण दिवस पर अजमेर में एससी एसटी आरक्षण मंच के जिलाध्यक्ष प्रकाश मीणा के नेतृत्व में एससी एसटी समाज के लोगों द्वारा बस स्टैंड स्थित भीमराव अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक व समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित और बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों में सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, साथ ही किसानों, श्रमिकों व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बाबा साहेब अमर रहे के नारों से सर्किल को गुंजायमान कर दिया। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित की, देश के लिए नई ऊर्जा दिखाई, नई दिशा दिखाई, देश को सब कुछ दिया, ऐसी महान हस्ती का आज पूर्ण दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है। उस परिनिर्वाण दिवस पे हम पुष्पांजलि अर्पित करने आए, बाबा साहब को याद करने आए हैं। सभी एससी एसटी आरक्षण मंच के मेंबर्स, सभी मेरी बहनें, भाई, सभी पुष्पांजलि अर्पित करने आए। बाबा साहब ने देश को वो दिया है, उसके बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे हम तो ही देश का विकास संभव है। बाबा साहब का जो रास्ता बताया है वही रास्ता हमको चलना है और उसी के प्रेरणा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम आज एकत्रित हुए और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की है।